आइए बात करते हैं सिंह राशि की। कामों में जो तेजी आ रही थी आज उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। कोशिश करें कि आप भी ओवर स्पीड या ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करें और हो सके तो किसी मित्र के सहयोग से कार्य को आगे बढ़ाएं। माता पिता की सेहत को लेकर आज चिंता बढ़ सकती है। कोशिश करें अपने आप के ऊपर भी पूरा 100% ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो मत रखें। शांति से इस दिन को जाने दें। राजनीतिज्ञों से भी अनुरोध है कि वाणी का नपातुला नियंत्रण उपयोग करें। 40-50% उत्तम तबरा दिन, लाल रंग का इस्तेमाल और 9 नंबरों का इस्तेमाल शुभ कारक रहेगा। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। बुध की राशि है, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत ही सुंदर समय बना हुआ है। आगे बढ़कर काम करेंगे, हर काम में सफलता मिलेगी और व्यापार में वृद्धि मिलेगी। मार्केट की हलचल में भी ऊपर या नीचे जाते हुए बाजार में आप पैसा कमाते हुए दिखाई देते हो। कुल मिलाकर 80% उत्तम तबरा दिन, हरे रंग का उपयोग और भाग्य अंक है 2। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि की। 7.5 का प्रकोप जरूर है मगर आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। भोलेनाथ की आराधना करने से और लाभ मिलेगा। ओम गण गणपताय नमः, ओम नमो शिवाय, इन दोनों मंत्रों का 108 बार उच्चारण कर लें और जाते हुए हो सके तो अपने बेटी के हाथ से खड़ी शक्कर खा के घर से निकले। कुल मिलाकर सुंदर समय, सुंदर व्यापार, सुंदर योग, सुंदर लाभ बना हुआ है। 90% आज आपकी राशि सबसे अच्छी राशि मानी जा सकती है। 90% उत्तम तबरा दिन, सैफ्रन कलर का उपयोग करें और भाग्य अंक है 10। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है और शनि और शुक्र की युति लगन में असेंडेंट में बनी हुई है। व्यापार में वृद्धि, पत्नी के माध्यम से कोई व्यापार में वृद्धि मिलेगी। पत्नी कोई कार्य करेगी उससे आपको फायदा होगा। आप ट्रेडिंग करेंगे पत्नी के नाम से तभी फायदा होगा। अपने आप को बिल्कुल कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व मत करें। सूर्य और शुक्र और शनि जो है वो सेहत को भी ध्यान रखने का संकेत दे रहे हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, विशेषतर पेट और पीठ का ध्यान रखें। 40-50% उत्तम तबरा दिन, नीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 12। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र।